न्यूयॉर्क में बैठा है, इसको ये फुल मून दिखाई दे, तो इसको कहते हैं हम फुल मून, ठीक है ना। अब एक हफ्ते में ऐसे चल के एक हफ्ते बाद मून यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो सन की लाइट पड़ रही है यहाँ पर, पूरा चांद जैसा अगर यहाँ से मैं देखूंगा तो मुझे फुल मून दिखाई देगा, जब स्पेस से देखेंगे आप लोगों को तो फुल मून दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर अर्थ से देखने वाले को कितना दिखाई देगा, हाफ ये वाला हिस्सा दिखाई, तो ये हाफ मून कहते हैं, है ना, ये हाफ मून हो गया। इसको हमारे यहाँ अष्टमी बोलते हैं, ये अष्टमी का चांद, ठीक है ना। अब ये यहाँ फुल मून था, फुल मून के बाद मून घटना शुरू होता है ना, तो इसको जब घटना शुरू होता है तो हाफ पहुंचता है एक हफ्ते बाद, तो हाफ और फुल के बीच का जो साइज है ना, हाफ और फुल के बीच का साइज, यानी फुल से छोटा और हाफ से बड़ा, इसको कहते हैं गिब्बस मून। क्या बोलते हैं? गिब्बस मून, क्या है ना। लेकिन ये गिब्बस कैसा है, ये घटता हुआ है, कमजोर होता जा रहा है, यहाँ पूरा था और ये कमजोर होता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं वेनिंग गिब्बस। क्या बोलते हैं? वेनिंग गिब्बस है, यानी ऐसा गिब्बस जो कमजोर हो, दुबला होता जा रहा है, तो दुबलाने वाला गिब्बस, तो ये वेनिंग गिब्बस है यहाँ पर। हाँ, ये कितने दिन के बाद आया? एक हफ्ते बाद। एक हफ्ते बाद फिर मून यहाँ आ जाएगा, आएगा ना। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, अभी नानक मत्ता में सन सामने है, दिन का टाइम है ना, और नानक मत्ता के आसमान में मून, मून दिखाई देगा उसे? यस सर। दिखाई देगा? क्यों नहीं दिखाई देगा? हाँ, उसका क्या होगा, लाइट जो है जिस हिस्से से, जिस हिस्से में लाइट पड़ रही है मून की, वो हिस्सा इसके सामने नहीं है, इसके सामने जो हिस्सा है उसमें लाइट नहीं पड़ रही है ना, यानी अर्थ के सामने जो हिस्सा है, यानी नानक मत्ता के सामने चांद का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है उस पर लाइट नहीं पड़ रही है, लाइट कहाँ पड़ रही है, बैक साइड है ना, तो अभी गायब हो जाता है पूरा, तो अभी तो दिन का टाइम है ना, दिन के टाइम में तो मून वैसे भी नहीं दिखाई देता है ना, तो जब ये ऐसे हो जाएगा पीछे 12 घंटे बाद ऐसे हो जाएगा, तो मून तो स्लो चलता है ना, मून बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं होता, तो देखो ये अमेरिका आ जाएगा इस तरह, तो उस समय भी मून इसको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मून के बैक साइड में लाइट पड़ रही है ना, तो इस समय जब मून दिखाई नहीं देता है, अगर आप देखोगे स्पेस से तो आपको दिखाई देगा, लेकिन अर्थ से देखने पर नहीं दिखाई देगा, तो इसको हम कहते हैं न्यू मून, है ना। इसका नाम न्यू मून क्यों रखा है तो पता नहीं, क्योंकि नो मून होना चाहिए था, ये मून दिख नहीं रहा है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, न्यू मून। और अब ये आधा यहाँ पर हाफ था और यहाँ गायब हो गया, यानी हाफ से जीरो हो गया, तो ये हाफ से जीरो जो होता है, तो ये मून आपने देखा होगा जो हंसिया होता है ना, हंसिया जैसा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं क्रिसेंट। क्या बोलते हैं? क्रिसेंट। वो क्या था? गिब्बस मून था, और ये क्या है, मून है क्रिसेंट, और ये क्रिसेंट यहाँ पर थोड़ा बड़ा होगा और ये कमजोर होता जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो हाफ से जीरो की ओर जाता हुआ, और दुबला होता हुआ क्रिसेंट, तो इसको भी क्या कहते हैं, वेनिंग क्रिसेंट। तो यहाँ वेनिंग गिब्बस था और ये वेनिंग क्रिसेंट कहलाता, तो ये जो 15 डेज है यहाँ से यहाँ पहुँचने, ये वेनिंग पीरियड कहलाता है ना, जब मून कम होता जाता है, ठीक है ना, ये क्या कहलाता है, वेनिंग पीरियड। और इसको हमारे यहाँ अपने हम अपने उसमें कहते हैं कृष्ण पक्ष, क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष, तो ये कृष्ण पक्ष है जिसमें मून जो है फुल मून से न्यू मून की ओर जाता है, यानी उजाले से अंधेरे की ओर हम जब जाते हैं तो हम उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, और ये वेनिंग गिब्बस है और वेनिंग क्रिसेंट है। अब इसके बाद ये फिर आगे बढ़ता है, अब ये बढ़ना शुरू होता है और फिर यहाँ हाफ में पहुँच जाता है, ठीक है ना। अब ये न्यू मून से बढ़ना शुरू हुआ है, आप अंधेरे से उजाले की ओर जाते हैं, है ना, तो ये वैक्सिंग पीरियड कहलाता है। और यहाँ भी क्या है, जीरो से हाफ तक क्रिसेंट बनाया, यानी हंसिया जैसा दिखाई देगा, तो इसको वैक्सिंग क्रिसेंट कहते हैं, यानी अपनी मसल दिखाता हुआ, है ना, तगड़ा होता हुआ, मोटा होता हुआ, तो ये मोटा होता हुआ चांद है, इसको हम वैक्सिंग क्रिसेंट कहते हैं। और फिर एक हफ्ते बाद वापस यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम वैक्सिंग गिब्बस, जब हाफ से फुल की तरफ बढ़ रहा है,
तो ये वैक्सिंग गिब्बस है, तो ये वैक्सिंग पीरियड है जिसको हम अपने यहाँ शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो चंद्रमा का कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 15 दिन के कृष्ण पक्ष, 15 दिन के शुक्ल पक्ष, और एक महीने में हमारे मून का सर्किल पूरा होता है ना। तो इस तरह से मून करता है इसको रिवॉल्व। लेकिन एक बड़ी मजेदार चीज है, आपने देखा होगा हमने अर्थ को बिठा क्यों दिया है, हम खड़ा भी कर सकते हैं, खड़ा करने में क्या होता है तब तीनों एक सीध में आ जाती ना। तो मून जब करता है, जैसे अर्थ जब कर रही है, जरा खड़े हो जाओ और आप सन की एक चक्कर लगा, नॉर्मली लगाओ ऐसी। तो आपने देखा अगर इनके सर को आप, इनके हेड को अर्थ मान रहे है ना, तो इन्होंने हेड अर्थ ने कैसे किया, इस प्लेन पर। अगर आप ये सोचो एक प्लेन है, इस प्लेन पर रह के, ये प्लेन है जैसे हम इस प्लेन पर खड़े हैं ना, इस प्लेन पर हमने इन्होंने चल के सन का एक चक्कर काटा। तो इनका जो है ये घूमने वाला प्लेन है जिस प्लेन पर अर्थ सन का चक्कर लगा। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि मून भी उसी प्लेन पर रह के अर्थ का चक्कर नहीं लगाता। अभी क्या है, देखो ये अर्थ का प्लेन है, यहां पर मून है, तो मून जब चक्कर लगाएगा तो कैसे लगाएगा, मून चक्कर लगाएगा, अभी थोड़ा नीचे को झुको, 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 और नीचे बिल्कुल बैठ जाओ। आपने देखा यूं आया चांद, यहां चला गया, अब यहां से खड़ा होगा धीमे धीमे, धीमे धीमे खड़े हो जाओ, धीमे धीमे खड़े हो जाओ, और यहां आके पूरे खड़े हो। तो आपने देखा मून का प्लेन क्या है, यूं यूं जा रहा है ना। तो कभी चांद हमारी अर्थ के ऊपर के आसमान में होता है, तो कभी नीचे के आसमान में चला जाता है, सेम प्लेन नहीं है ना, कभी ऊपर चला गया कभी नीचे चला गया। तो ऐसे चलता है अर्थ, तो ऐसे घूम रही है, इस तरह से घूम रही है, लेकिन मून कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। लेकिन दो पॉइंट ऐसे होंगे जिन पॉइंट पे इन दोनों प्लेन जो है एक दूसरे को काटते हैं, है ना, ये वाला प्लेन और ऐसा वाला प्लेन जहां पर टच करते हैं, उन दो पॉइंट पर मून अर्थ और सन एक लाइन पर आ जाते हैं। और अगर वो एक लाइन पर आते समय वो पूर्णिमा यानी जिस दिन फुल मून था, या अमावस जिस दिन नो मून था, अगर उस दिन अगर ये पड़ गए एक सीध में, तो उस दिन बड़ी इंटरेस्टिंग इवेंट होती है। क्या होती है, जरा उठ जाओ, उस दिन ऐसा हो जाता है, अब ये तीनों एक लाइन में आ गए। अभी कौन सा दिन है, अभी ये पूर्णिमा फुल मून है, वहां सन है और बीच में अर्थ है और यहाँ पर मून है। तो रात में अचानक क्या है, एक सीध में जब आ गए, तो उससे जो लाइट पड़नी थी सन की मून पर, उस लाइट को किसने रोक दिया, अर्थ ने रोक दिया। और थोड़ी देर के लिए, जब तक सामने रही नहीं, क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं, थोड़ी देर में हट जाएगी, तो उतनी देर के लिए चांद पर जो है छाया पड़ गई। किसकी छाया पड़ी, अर्थ की छाया पड़ी, तो अर्थ हमें दिखना बंद हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, हाँ, उतनी देर के लिए मून हमको दिखना बंद हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं कौन सा इक्लिप्स बोलते हैं, लूनर लूनर चंद्र ग्रहण, जो गायब हुआ वो वाला। तो मून गायब हो गया अपनी देर के लिए, तो हम क्या कहेंगे उसको, लूनर इक्लिप्स या चंद्र ग्रहण कहेंगे, है ना। हुआ ना ऐसा, सामने सूरज था, इन दोनों के बीच में आज के दिन फुल मून दिखना चाहिए था, लेकिन सडनली क्या हुआ, बीच में अर्थ आ गई, एक सीध में आ गई तीनों, तो उसकी वजह से उतनी देर के लिए हमको मून दिखना बंद हो जाएगा वहां से देखने पर। और जब तक वो ढका रहेगा हमें मून दिखाई नहीं देगा, तो हम उसको कहेंगे लूनर इक्लिप्स या चंद्र ग्रहण। और अगर ये इवेंट एक सीध में आने वाला इस दिन हुआ, ये कौन सा दिन है, सूर्य ग्रहण, दिन कौन सा है, अमावस्या का दिन है, या न्यू मून का दिन है ना, उस दिन या दोपहर का समय, देखो ये नानक बत्ता है, दिन का समय है और मून के पीछे की साइड में लाइट पड़ रही है, तो मून दिखाई नहीं देगा। लेकिन अचानक क्या हो गया, एक सीध में आने से जो लाइट अर्थ पर पड़नी थी उसको किसने रोक दिया, मून ने रोक दिया। तो मून हमको सन दिखाई देना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे सामने मून आ जाएगा, तो हम हमारे सामने से सन गायब हो जाएगा। तो जब सन गायब हो जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण, ठीक है ना। तो ये तभी होता है जब तीनों एक सीध में आते हैं और साथ ही एक प्लेन में भी आ जाते हैं, है ना। नॉर्मल अमावस यानी नॉर्मल न्यू मून और नॉर्मल फुल मून में हमेशा ये नहीं होता, ये तभी होगा जब तीनों अलाइन भी होंगे
और ये दिन होंगे दो, उस केस में इक्लिप्स होगा। और ये कभी कभी होता है ना, जिसको लोग कैलकुलेट करके बता देते हैं कि इतनी तारीख को इतनी दिन होगा, क्योंकि हमें उसकी पैटर्न पता है कि मून कैसे घूमता है, अर्थ कैसे घूमती है, सन कैसे घूमता है, तो हमें पता है, हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि अब इस साल में कौन से दिन ल्यूनर इक्लिप्स होगा, कौन से दिन सोलर होगा। आगे ना समझ में, तो कैसे ये होगा, कोई इसको एक्सप्लेन करके बता सकता है कोई? बच्चा मैंने बताया कि